हम बानी जीत कुमार और सब चालू कर दे तक भोजपुर देखे एक बार हम फिर से आगल बनी फिल्म बैरी अंगना के सेट पर और हमारा साथ बानी एगो बहुत ही कमाल के इंटरेस्टिंग आर्टिस्ट तुम से मिल बनी और बात कर ली कि फिल्म के लेके तो नमस्कार हमारा नाम रविकांत रविकांत जी आपको बैरी अंगना के सेट पर कौन से भूमिका में बानी और कितना अच्छा लग रहा है देखिए एमे हम हमारे जो रोल बा एगो केयर टेकर के रोल बा गार्जियन गार्जियन और संभालते हैं इसमें ये फिल्म की कहानी ये है कि जो असली रिश्ते हैं अपने वो दूर हो जाते हैं और एक पराया आदमी जो बाहर से है वो पूरा दिखता है और जो देख रेख करके और परिवार को जोड़ता है मतलब इतना बड़ा आप इस फिल्म में आपका रोल है तो मतलब चैलेंजिंग लगा कि नहीं और कुछ करने में मजा आएगा देखिए रोल तो हर रोल चैलेंजिंग होता है छोटा हुआ बड़ा हर रोल चैलेंजिंग होता है उसको चैलेंज के साथ ही करना चाहिए इससे पहले मतलब आप कोई इस तरह की कोई बड़ी फिल्म में थोड़ा चैलेंजेबल रोल किए हैं इसके पहले मैंने किया था चैलेंजेबल रोल आज के 10 साल पहले बलिया की दबंगई बलिया की दबंगई सेम ऐसा ही रोल था और आप संजय पांडे के साथ काम कर रहे हो और इस फिल्म में कैसा अनुभव हो रहा है देखिए पांडे जी के साथ तो बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है पहले का भी और आज का अनुभव तो बहुत अच्छा रहा है बहुत अच्छा बहुत अच्छे नेचर के हैं वो जब वो सेट पे होते हैं जब वो जिस सीन में होते हैं वो पूरा सीन जिंदा हो जाता है जिंदा हो एकदम मतलब जब टॉप टॉप आप लोग सामने जब आते होते हैं मतलब कोई सीन में ऐसा तो कितना मजा आता है हाँ वो एकदम अरे बहुत ही वही तो कह रहे हैं हर सीन में आदमी खेलता है उनके साथ कभी उनका तो रिटेक हो नहीं सकता नहीं ना चलिए बहुत इंटरेस्टिंग बात और एक बात हम और आपसे पूछना चाहते हैं एकली इस फिल्म के सेट पर मतलब जितने भी लोग हैं उनके बिहेवियर क्या और डायरेक्टर साहब नहीं सभी लोगों का बहुत अच्छा बिहेव है डायरेक्टर साहब भी बहुत अच्छे हैं प्रोड्यूसर साहब संतोष सिंह जी बहुत अच्छे हैं और वृंदा जी की बहुत अच्छा बिहेव है सबको कोऑपरेट करते हैं मैंने अब बहुत सभी आर्टिस्ट और टेक्नीशियन टीम ऐसे कैमरामैन दया भाई बहुत अच्छे बहुत अच्छा सुझाव देते हैं हर चीज़ का बहुत अच्छा है मुकेश भाई है कैमरा ग्रुप से उनका भी अच्छा सहयोग रहता है तो पूरे एक परिवार की तरह हम लोग काम करते हैं सर फिल्म में जो चंदन जी हैं उनके साथ जब पहली फिल्म में आप प्रेम धर्म भी कर चुके हैं और ये फिल्म कर रहे हैं तो उस फिल्म में उस फिल्म में क्या डिफरेंट है क्या अच्छा है नहीं देखिए उस उसका उस जो पिक्चर थी उसका एक अलग था और इसका एक अलग था दोनों अलग 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 वो एक प्रेम कहानी थी पूरी तरह से और ये जो है एक फैमिली ड्रामा के साथ प्रेम कहानी रिश्तों में कैसा होता है रिश्ते कैसे होते हैं यही इसमें दिखाया गया है अच्छा मतलब अच्छा देखते हैं कि भोजपुरी फिल्मों में या 19 की फिल्मों में मतलब दहेज प्रथा से जुड़ी कुछ चीज़ें होती हैं क्या इस फिल्म में कुछ उस तरह के हैं या कुछ अलग नहीं दहेज प्रथा का इसमें नहीं दहेज प्रथा नहीं दिखाया गया है इसमें एक अलग ही बहुत मार्मिक कहानी है वो इसका नाम बैरी अंगना यही रखा है कि एक्चुअल में होता क्या है इस पिक्चर में कि वो जो हीरो होता है अपने रिश्तेदारों को लेके आते रिश्तेदार आते हैं उसके रहने के लिए उसके घर में रिश्तेदार आते हैं रहने के लिए बाद में वही घर पे हावी हो जाते हैं हाँ हीरो और जो सभी तक उस घर की रक्षा कर रहा था यही लोग खुद बाहर हो जाते हैं अच्छा एक और मेरी इंटरेस्टिंग चीज जब आप बैरी अंगना फिल्म गए तो इसलिए आप भोजपुरी नटी में तीन बैरी मतलब आई जैसे कि बैरी टंगना हुई बैरी सुरुतिया हुई और बैरी सेनोरा हुई ये बैरी अंगना जो चौथी फिल्म आ रही है तीनों उन फिल्मों ने अपने अपने जगह पर बढ़िया परफॉर्मेंस किया तो क्या ये फिल्म भी उस जगह पर कुछ खास करेगी देखिए ये जो पिक्चर है जो बैरी कंगना पिक्चर थी कुणाल जी की ये उस कैटेगरी की पिक्चर उस कैटेगरी हाँ उस कैटेगरी की पिक्चर हाँ और हमें लग रहा है कि संजय जी भी कह रहे थे इस बात को बहुत अच्छी स्टोरी है बहुत कम फिल्में बनती है भोजपुरी में इस तरह की चलिए बेटर लगा आपसे बात करकर और इस फिल्म के बारे में थोड़ा सा जानकर ये फिल्म कब तक आ जाएगी हमारे देखिए ये हमारे समझ से इसको 4 महीने के अंदर भेजूंगा इसको दूसरा कहना कि 4 महीने के अंदर इस पिक्चर मतलब फिल्म को काफी तेजी से चल रहा है फिल्म का लगभग हिस्सा आपको लगता है कि 50% के ऊपर शूट हो चुका होगा 60% के ऊपर हिस्सा शूटिंग हो चुका होगा फिल्म बहुत जल्द आएगी मेरे चैनल क्या बोलते हैं न्यूज़ तक भोजपुरी न्यूज़ तक भोजपुरी चैनल तो मैं देख देखता हूँ और ये बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी जानकारी और जो भी बातें निकलती हैं उसमें से वो सीखने वाली होती है हाँ बहुत बहुत धन्यवाद
बाकी सर मेरे न्यूज तक भोजपुरी के लिए आप दो सब देखिए, मैं तो यही दर्शकों से कहूँगा कि न्यूज तक भोजपुरी को आप लगातार देखते रहिए और लगातार सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन घंटी जरूर दबाइए। हाँ, बाकी नमस्कार।